या हंसती रहती हूँ एंटरटेनमेंट, तो दूसरा नाम ही है मेरा, मेरा भाई है ना सलमान खान, आर 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 सुपर हिट हुई, बिकॉज सबसे पहला आशीर्वाद सलमान खान जी ने दिया आर आर को, बिग बॉस में आए थे ना सब लोग फुल टीम, देखो दिमाग हो गया आ जाइए फ्रेंड्स के साथ। तब से जुड़ी हूँ जब मैं घर से भाग के आई थी और स्ट्रगलर थी, और जब भी तो मुझे प्रवीण भाई ने एक फिल्म में काम दिया था जिसमें एहसास में, जिसमें सुनील शेट्टी जी थे, बहुत छोटी थी मैं, तो उसमें मैंने एक मेड का रोल किया था, मेड का, यू नो आई व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। तो आई विश के अभी 9 नहीं 10 फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, तो आई विश के इनकी 5 फिल्मों में तो मैं रहूँगी 5 फिल्म्स में, किसी में सॉन्ग, किसी में कैरेक्टर्स। कल भी मैं आई थी और प्रवीण भाई से बात हुई, आई एम सो एक्साइटेड कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, ज़माना अच्छा हो गया है, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, सांस तो लेने दो, बूम कुछ ज़्यादा ऊपर है, बूम बूम। मैं इज माई ब्रदर, कम ना प्लीज, इज माई ब्रदर राजीव, इज डायरेक्टिंग, आई मीन इज प्रोड्यूसिंग ऑल्सो, वेब सीरीज है जो 8 एपिसोड हमारी बहुत अच्छी वेब सीरीज बन रही है, जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि राजीव इज टेकिंग ऑल बिग डायरेक्टर्स एंड आई एम प्लेइंग द पूरा मेन लीड में, बट इस बार मैं कोई ग्लैम नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ग्लैम, नो मेकअप, और एक ऐसी आप राखी देखोगे कि आपने जिंदगी में नहीं दिखा होगा, जस्ट आर्ट, जस्ट एक्टिंग, कि मैं जितना अच्छा डांस करती हूँ क्या मैं मीना कुमारी हूँ? ऑफ कोर्स उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता, बट मैं आज की मीना कुमारी बन सकती हूँ, ट्रेजेडी क्वीन, ट्रेजेडी क्वीन। हाल ही में आपने अपने अपने मम्मी के नाम से कंपनी भी चालू की, जी गाना भी आया, आने वाले समय में क्या कुछ उसमें देखने मिल पाएगा? देखिए आज तो हम टाइम्स के यहाँ पे फंक्शन में आए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट टाइम के फिल्म्स एंड उनकी सारी फिल्में, एंड आई फील कभी तो सब सोहिल भाई भी आए हैं, तो वाओ भाई को देख के मज़ा आ रहा है। हाल ही में आरआरआर रिलीज हुई आलिया भट्ट, हमने काफ़ी देखा आपकी अच्छी फ्रेंड ने, क्या कुछ करना आलिया, सो आज उनके लिए ये साल कितना अच्छा है, गंगूबाई सुपर हिट गई, आरआरआर सुपर हिट गई, शादी कर रही है, वाओ हॉलीवुड जा रही है, हॉलीवुड जा रही है, और दहेज में मैं भी जा रही हूँ, उनकी बैग में बैठ जाऊंगी मैं। कश्मीर फाइल्स आई थी, आपने आपने देखी कश्मीर फाइल्स? हमने देखा, क्या कुछ कहना चाहोगे? डेफिनेटली कश्मीर फाइल्स तो ये है कि आई लव इट, एंड ऐसी फिल्में बननी चाहिए, बिकॉज अगर कश्मीर के बारे में हमें नहीं पता चलता कि इतना बलिदान दिया गया है लोगों ने, तो शायद हमें पता ही नहीं होता। उनके डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? विवेक अग्निहोत्री, विवेक इस तरह का कंटेंट इंडिया में लाना, पास्ट के बारे में जानना, किस तरह से देखते? देखिए इतिहास में जो भी फिल्में बनी हैं अच्छी बनी हैं, तो आरआरआर भी वैसी ही है, यू नो, एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा डायरेक्शन, और दर्शन जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, स्पेशली कल मैं उनसे मिली थी यहाँ पे, और स्पेशली मैंने वो पूछा कि जो एंड का जो आपका डायलॉग्स है वो कैसे आपने इतना लंबा डायलॉग रट्टा लगाया? उन्होंने बोला 2 दिन का सीन था, आधे घंटे का सीन था, बट मैंने 15 मिनट में किया, दर्शन जी ने मुझे बताया, मैंने कहा वाह, बिकॉज मैं क्लैप खुद अकेले बैठ के पहले खुद क्लैप बजाई उस सीन पर, फिर सब पूरे थिएटर ने बजाया था। आपका नया लुक आपने लिया है कि हाल ही में ये लुक? इट्स अ सरप्राइज, मेरा नया लुक एकदम सरप्राइज है, और मैं मेरा कुछ नया आने वाला है, वो तो आपको 13 तारीख को पता चलेगा मेरा, तो ये मेरे ट्राइबल जो लुक्स है ना वो मेरे सारी नए वीडियो के लिए है, जो मैं आपको 13th को मैं बताऊंगी, जो लॉन्च है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे आई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, बस 2.5 साल तो घर में बंद एकदम बोर हो गए थे, पहले तो मैं कभी पार्टी नहीं जाती थी और कभी फंक्शन में नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं जाती हूँ, बिकॉज आई लव इट, थैंक यू, थैंक यू।
Yeah.